सोयाबीन की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी देखने को मिल रही है। घरेलू और विदेशी बाजार दोनों ही जगह सोयाबीन ने धमाल मचा रखा है। विदेशी बाजारों में सोयाबीन की कीमतों में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। विदेशी बाजारों में सोयाबीन में आई तेजी के बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि ब्राजील और अर्जेंटीना में सोयाबीन का उत्पादन कम रहने की उम्मीद, चीन का अमेरिकी सोयाबीन की जमकर खरीद करना, यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध होने से सूरजमुखी के तेल की सप्लाई बाधित हो सकती है, जिससे सोयाबीन की कीमतों को सपोर्ट मिला है। 24 फरवरी 2022 को यूएस सोयाबीन वायदा $1756 तक कारोबार करता दिखाई दिया था। जानकारों के अनुसार सोयाबीन टेक्निकली 1700 के स्तर को पार कर चुका है, जो कि आगे इसके और ऊंची कीमतों पर ट्रेड करने के लिए रास्ता खोल रहा है। इसकी वजह से घरेलू तेल तिलहन बाजार भी गर्म है। सोयाबीन और पाम तेल की कीमतों में उछाल है, वहीं सोयाबीन तिलहन में भी जोरदार उछाल देखने को मिला है। मंडियों में सोयाबीन की आवकें कम है। हाजिर में सोयाबीन 7500 के पार बिकती दिखाई दे चुकी है। बात करें अगर वायदा बाजारों की, तो वायदा बाजारों में भी सोयाबीन की कीमतों में जोरदार बढ़त देखने को मिली है। NCDEX पर सोयाबीन का मार्च वायदा 7900 पर कारोबार करता दिखाई दे चुका है। सोयाबीन वायदा ने 7200 से सीधे 7900 की लंबी छलांग लगा दी है। मार्केट टाइम्स टीवी के माध्यम से मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सजेजा ने सोयाबीन में 7900 का लक्ष्य दिया था, जो कि हासिल होता दिखाई दिया है। सोयाबीन 8000 के भी स्तर दिखा सकती है। बीच बीच में मुनाफा वसूली भी बनने के आसार हैं। ये रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी।